नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। वक्त है राजस्थान के चुनाव का और चुनाव राजस्थान का की बात करने का। राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी ने चुनावी दमखम दिखाने के लिए पूरी तरह कमर कस ली है। सितंबर के शेष दोनों हफ्तों के राजनीतिक कार्यक्रमों पर नजर डालें तो कांग्रेस और बीजेपी एक तरह से सियासी शहमात का खेल खेलती नजर आ रही हैं। एक और कांग्रेस नेता राहुल गांधी 23 सितंबर को जयपुर में नए राजस्थान कांग्रेस के मुख्यालय की नींव रखने आ रहे हैं, तो दो दिन बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर में ही परिवर्तन और बूथ महासम्मेलन करने आ रहे हैं। हमारे राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि राहुल 23 तारीख को 50,000 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चुनावी टास्क देंगे, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी राजस्थान के 50,000 बूथों पर तैनात भाजपाइयों को संबोधित करेंगे। राहुल की 2 महीनों में राजस्थान की दूसरी रैली होगी। वहीं मोदी के भी आचार संहिता लगने से पहले 1-2 जनसभाएं और देखने को मिल सकती हैं। ये पार्टी के कुछ अंदर के राजनीतिक सूत्रों का कहना है। यानी कुल मिलाकर राजस्थान अब दोनों ही पार्टियों का पावर सेंटर बनने जा रहा है। राजस्थान में चल रही चुनावी तैयारियों के जरिए दोनों पार्टियों के बीच चल रही सियासी शहमात के खेल को समझने के लिए आज हमारे साथ हमारे संवाददाता मुबारक हमारे साथ जुड़ेंगे और हम और राजनीतिक विश्लेषक का भी रुख करेंगे कि किस तरह से दोनों पार्टियां अपना चुनावी दमखम दिखाने को तैयार हैं। भरसक कोशिश की जा रही है कि आचार संहिता लगने से पहले, बताया जा रहा है कि अक्टूबर के मिड तक हो सकता है कि आचार संहिता लग जाए, तो चुनावों की घोषणा, चुनावों की तारीखों के ऐलान से पहले दोनों पार्टियों की कोशिश है कि वो भरपूर ढंग से वोटर्स को लुभाएं, अपने बड़े नेताओं के जरिए तमाम रैलियां करके राजस्थान में तमाम मुद्दों को जो जनता के सामने लेकर जाना चाहती हैं उन मुद्दों पर अपने नेताओं के जरिए संबोधन करवाएं और जनता को इस चुनाव में अपने साथ लेने की कोशिश की जाए। तो इसी के तहत बताया जा रहा है कि राहुल गांधी 23 सितंबर को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय की नींव रखने आ सकते हैं, जो शिप्रापत पर मानसरोवर में इस वक्त पे बनने वाला है। बता दें कि जो पुराना कांग्रेस भवन है वो इंदिरा गांधी मार्ग पर है, 1960 से बना हुआ था, पुराना कंस्ट्रक्शन है, तो उसको देखते हुए कांग्रेस वक्त की ज़रूरत के हिसाब से नए मुख्यालय बनाने जा रही है। उसके लिए राहुल गांधी, बताया जा रहा है कि राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम और दिग्गज नेता कांग्रेस के उस दिन 23 तारीख को जयपुर में मौजूद हो सकते हैं और बड़ी जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। वहीं महज 2 दिन बाद देखिएगा आप, पॉलिटिक्स जो है राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस की किस तरह से हम शह और मात की बात कर रहे हैं वो इस लिहाज से है कि 23 तारीख को राहुल गांधी रैली कर जाएंगे, तो 25 तारीख को जो चारों दिशाओं से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा निकल रही है उसका कल्बिनेशन, उसका कंक्लूजन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बड़ी जनसम्मेलन, बड़ी परिवर्तन सम्मेलन के साथ में करेंगे। और इस दौरान बताया जा रहा है कि जो बूथ कार्यकर्ता हैं, लगभग 50,000 से ज़्यादा बूथ हैं राजस्थान में, उन पर 3-3 कार्यकर्ताओं की एक कमेटी बना रखी है भाजपा ने। जैसा कि भाजपा मालूम है आपको कि बूथ तक पन्ना और जिस तरह से पन्ना प्रमुख और बूथों तक तैयारी के लिए जानी जाती है चुनावों के दौरान, तो इन कार्यकर्ताओं को संबोधित भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए दिखाई दे सकते। बताया जा रहा है कि उनसे सीधा संवाद करने स्थापित करने की कोशिश करेंगे, जो बूथ के कार्यकर्ता हैं उनको जो है सीधे चुनाव की तैयारियों में उनको में जोश भरने की तैयारी की जा रही है। इस तमाम पहलू पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता मुबारक खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मुबारक, दोनों पार्टियों के सियासी तेवर और कलेवर को देखे इस वक्त पर तो साफ नजर आ रहा है कि चुनावी तैयारियों के जरिए अपना दमखम दिखाने की कोशिश तो है ही, लेकिन एक शहमात का खेल भी चल रहा है। 23 तारीख को राहुल गांधी आएंगे, 25 को बताया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा सम्मेलन करेंगे। क्या कुछ हालात है, किस तरह से देख रहे हैं आप वहां? जी देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि अब प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा चुनाव अब 2023 में ये होने वाले हैं, जिसको लेकर जो दोनों ही पार्टियां हैं वो पूरी तरीके से कमर कस चुकी है, क्योंकि चुनाव दहलीज पर है। भाजपा की अगर हम बात करें तो भाजपा ने 2 सितंबर से परिवर्तन यात्रा के नाम से पूरे जो 200 विधानसभा क्षेत्र है राजस्थान के, वहां परिवर्तन यात्रा के माध्यम से लोगों के बीच जाने का प्रयास किया। तो उससे पहले अगर हम बात करें तो भाजपा की ओर से संकल्प पत्र समिति और मैनिफेस्टो समिति बनाएगी, जो कि लोगों के बीच जाकर इस यात्रा के माध्यम से एक बॉक्स के अंदर लोगों से सुझाव लिए जाएंगे कि किस तरह आपकी क्या आप चाहते हैं आगे, अगर सरकार बीजेपी की बनती है तो आप लोग क्या सरकार से उम्मीद रखते हैं, क्या कुछ कमी खामियां इस कांग्रेस के कार्यकाल में रही, किस तरह की
जो चीजें हैं वो हम पूरी कर सकते हैं। उस तरह की तमाम चीजें लगातार भाजपा की ओर से की जा रही है। परिवर्तन यात्रा अब 25 सितंबर तक पूरी हो जाएगी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लेकर एक बड़ी जो है सभा राजस्थान में करने वाले हैं। जयपुर के अंदर ये सभा आयोजित की जाएगी जिसके अंदर पूरे जो भाजपा के तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं, कार्यकर्ता हैं और जितने भी संगठन भाजपा के जो अग्रिम संगठन है वो भी इसमें शामिल रहेंगे और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से ये विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। क्योंकि देखिए खास बात ये रही अब तक के बीजेपी के इस पूरे सिनेरियो में, परिवर्तन यात्रा के पूरे सिनेरियो में, कि किसी एक नेता को बड़ा बनाकर या किसी एक नेता ने इस यात्रा को लीड नहीं किया, नहीं अपने आप में एक बड़ी बात जी। तो उसी के चलते अब प्रधानमंत्री जी आप खत्म कर सकते हैं अपनी बात। मुबारक देखिए किसी को इसका नेतृत्व करने की जिम्मेदारी नहीं थी। एक यात्रा जो क्योंकि अलग अलग दिशाओं से इस यात्रा की शुरू हुई, चार जगह से ये यात्रा शुरू हुई, गोगा मेडी, रामदेवरा, बेणेश्वर, सवाई माधोपुर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, इन चारों जगह से जब यात्रा शुरू हुई तो चार बड़े नेता इस यात्रा को शुरुआत देने के लिए यहाँ पहुंचे। किसी एक राजस्थान के किसी नेता को इसकी जिम्मेदारी नहीं दी गई। तो ये अपने आप में एक साफ संकेत भाजपा ने यहाँ दे दिया है कि हम किसी एक को यहाँ नेता नहीं बनाना चाहते, बल्कि सामूहिक जो सामूहिक रूप से भाजपा यहाँ चुनाव लड़ेगी, किसी एक के पास कमान रहेगी। तो मुबारक, ये आपने पूरा जायजा बताया कि किस तरह से भाजपा अपने चुनावों को लेकर पूरी प्लानिंग के साथ में परिवर्तन यात्राएं उन्होंने शुरू की। जैसा हम दर्शकों को लगातार एनडीटीवी राजस्थान पर बताते रहे हैं कि चारों दिशाओं से भाजपा अपना चुनावी दमखम दिखाने के लिए इन चुनावी रैलियों या परिवर्तन यात्रा जो उन्होंने वो, क्योंकि बीजेपी का पिछले 20 सालों में ये ट्रैक भी रहा है कि जब वो अपोजिशन में होती है तो अपोजिशन में होने के नाते वो ज़रूर परिवर्तन यात्राएं निकालती हैं। इस बार भी वही परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन कोई चेहरा नहीं है इस बार। जो आपने जिक्र किया कि तमाम संयुक्त नेतृत्व बीजेपी का दिखाई दिया है और उसी संयुक्त नेतृत्व के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद राजस्थान की जनता से रूबरू होने को 25 सितंबर को जयपुर में पधारेंगे और एक बड़ी परिवर्तन महासम्मेलन या कहेंगे बूथ महासम्मेलन किया जाएगा। उससे दो दिन पहले, मुबारक आप जरा टाइमिंग पर गौर करें तो दो दिन पहले राहुल गांधी भी वहां पहुंच रहे हैं। तो किस तरह से सुनियोजित ढंग से दोनों पार्टियां एक दूसरे को शह मात की तैयारियों में हैं उसका ये बड़ा उदाहरण हमारे सामने है कि 23 सितंबर को राहुल गांधी खुद कांग्रेस का जो नया मुख्यालय बन रहा है, प्रदेश मुख्यालय मानसरोवर में, उसकी नींव रखने भी आ रहे हैं और वो भी बड़े तादाद में कार्यकर्ताओं को न सिर्फ चुनावी टास्क दे सकते हैं बल्कि कुछ कार्यकर्ताओं को वो ज्वाइन भी करवाएंगे कांग्रेस, कुछ लोगों को कांग्रेस भी ज्वाइन कराएंगे और एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज उनकी ओर से भी जाने की संभावना है। और मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस वक्त उस दौरान मौजूद रह सकते हैं और दोनों नेता शायद रैली को संबोधित करें, इसको लेकर क्या कुछ वहां हलचल है मुबारक जी? देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सभा है वो 25 तारीख को आयोजित होगी। इससे पहले दो दिन पहले जो कांग्रेस के नेता है राहुल गांधी वो भी जयपुर पहुंचेंगे। कार्यक्रम उनका 23 तारीख का बताया जा रहा है, हालांकि कुछ बदलाव भी हो सकते हैं लेकिन अब तक की जो जानकारी मिल रही है वो 23 तारीख की जानकारी मिल रही है। इसमें देखिए जो मेन एक मकसद है कहीं ना कहीं वो चुनाव को देखते हुए अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का है। तो बिल्कुल ये साफ तौर पर हम कह सकते हैं क्योंकि चुनाव के मद्देनजर ये तमाम जो चीजें हो रही है, बीते दिनों आपने देखा होगा प्रियंका गांधी राजस्थान के निवाई में पहुंची, यहाँ उन्होंने जनसभा की और तमाम जो सरकार की जनकल्याणकारी घोषणा योजनाएं है उनका जिक्र उन्होंने किया, तो सरकार की तारीफ की, सरकार रिपीट होने की बातें उन्होंने की और कहीं ना कहीं जो केंद्र की मोदी सरकार है उसके ऊपर जबरदस्त उन्होंने हमले किए, लोगों से कई तरह की उन्होंने संवाद किए, महिलाओं से सीधे तौर पर वो मिली, इस तरह की चीजें सामने। अब राहुल गांधी की यहाँ एक बड़ी सभा जब जयपुर में होने वाली है तो जयपुर सहित जो आसपास के जो तमाम बड़े जिले हैं जैसे कि उनको भी संदेश देने की, जी जी जी, टोंक है, अजमेर है, सीकर है, नागौर है, तमाम इस तरह के जो दौसा है, जी जी, जाहिर तौर पर। मुबारक आप बने रहिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ, हमारे साथ इस तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए, क्योंकि चुनाव राजस्थान का है तो राजस्थान से कोई एक्सपर्ट ना हो ऐसा हो नहीं सकता एनडीटीवी पर। तो श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं, एक बार फिर से श्याम जी मैं आपका स्वागत करता हूँ एनडीटीवी राजस्थान पर। श्याम जी, अगर पॉलिटिकल टाइमिंग्स को देखें राजस्थान में तो इस वक्त पे दोनों पार्टियों के बीच, भाजपा और कांग्रेस के बीच, एक तरह से चुनावी दमखम दिखाया तो जा ही रहा है लेकिन एक तरह से अपनी प्रिपरेशंस के जरिए और रैलियों के जरिए शह मात का खेल भी चल रहा है। मसलन जो हम बात कर रहे हैं, मैं मेरे संवाददाता मुबारक खान से भी बात कर रहा था
कि 25 तारीख को तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में बीजेपी की जो परिवर्तन यात्रा चल रही है उसका कल्मिनेशन होगा, उनकी संबोधन के साथ में एक बड़ी जनसभा होने जा रही है, बड़ा बूथ महासम्मेलन होने जा रहा है। वहीं उनसे ठीक दो दिन पहले कांग्रेस अपने प्रदेश मुख्यालय की नींव भी रखने जा रही है और बताया जा रहा है कि खुद राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे इस दौरान मौजूद हो सकते हैं और वो भी एक जनसभा को संबोधित कर सकते हैं और कार्यकर्ताओं को भी जो है एक पॉलिटिकल मैसेजिंग और तैयारियों की लिए उन्हें जोड़ने की कवायद का ये मौका है। तो ये सिर्फ दो दिन पहले 23 तारीख 25 तारीख, मतलब पूरा अगला जो दो हफ्ते हैं राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए पावर सेंटर बनने जा रहे हैं ढंग से, तो इसको किस तरह से देखते हैं आप, दोनों पार्टियों की जो ये शहमात चल रही है? देखिए मनीष जी, एक पार्टी शासन छीनना चाहती है, दूसरी पार्टी इसको शासन को कायम रखना चाहती है। इस दौर में देखिएगा बार बार ये हो रहा है कि स्थानीय नेताओं की जगह अब केंद्रीय नेता को ज्यादा तरजीह मिल रही है। यही कारण है देखिएगा कि 25 तारीख को अगर राहुल गांधी 25 तारीख को अगर हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी की बैठक पहले से ही तय थी, लेकिन उससे पहले कांग्रेस ने अपनी हवा बनाने के लिए राहुल गांधी और खड़गे को बुलाने का प्लान तय किया है। 23 तारीख को देखिएगा अगर राजस्थान में जो प्रदेश कांग्रेस का नया कार्यालय का शिलान्यास होना है, जिसके के लिए हाउसिंग बोर्ड से उन्होंने 6000 वर्ग मीटर की जमीन ली है सिप्रापत पर मानसरोवर में, उसका शिलान्यास करने राहुल गांधी और दोनों आ रहे हैं। और राहुल गांधी अब ये बताया जा रहा है कि देखिए 52,000 बूथ हैं, उसके बूथ अध्यक्षों को बुलाने की बात हो रही है, मंडल के 2200 अध्यक्ष हैं उनको बुलाने की बात हो रही है, 400 ब्लॉक अध्यक्ष हैं, 40 जिला अध्यक्ष हैं, इस तरह 60,000 लोगों को किस तरह से चुनावी गुण सिखा के राहुल गांधी जाएंगे, इस तरह की रणनीति कांग्रेस तैयार कर रही है। अब राहुल गांधी पहली बार नहीं आ रहे हैं, राहुल गांधी राजस्थान में 30 बार आ रहे हैं और दूसरी माह में तो दूसरी बार है शायद। तो जी मेरा छोटा सा इंटरजेक्शन था श्याम जी, दूसरी माह में शायद दूसरी रैली है, पिछले महीने अगस्त में उन्होंने आदिवासी संबोधन किया था, आदिवासी दिवस पर शायद वो आए थे और अब जो है दूसरी बार फिर से वो जयपुर पधार रहे हैं। देखिए नहीं, एक बार पहले भी आ चुके, जब उदयपुर में जो घोषणा हुई थी, जब घोषणा पत्र जारी हुआ था उसमें भी राहुल गांधी की एक रैली हो चुकी है। दूसरे महीने में दूसरी यात्रा है उनकी है। जी हाँ, ये इसी महीने में दूसरी यात्रा हो रही है और मोदी जी 4 साल बाद जयपुर आ रहे हैं जी। और निश्चित रूप से देखिएगा पहले धानक्या में करने का निर्णय किया था बीजेपी ने, जहां पर की दीनदयाल जी की जन्म स्थली है, लेकिन उसको बदला गया और अब ये वाटिका है वहां पर रैली हो रही है, 5 लाख लोगों को लाने की बात हो रही है। देखिएगा कि राजस्थान में चुनावी वातावरण तैयार करने के लिए भाजपा ने चार, एक तो मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा के माध्यम से, आपने देखा था कि सवाई माधोपुर में उसकी शुरुआत हुई, उसके बाद राजनाथ सिंह जो पूर्व अध्यक्ष हैं और रक्षा मंत्री है उनको देखिएगा, रामदेव राव में जो है जैसलमेर पोखरण वहां से स्टार्ट हुई दूसरी, और तीसरी रैली अमित शाह ने शुरू की थी, वो भी वो कह सकते हैं कि आपके बेड़ेसर धाम से शुरू की थी, वो भी अध्यक्ष रहे हैं भाजपा के और गृह मंत्री है, और एक और नितिन गडकरी की भी गोवा मेडिसिन शुरू हुई थी। जी, जी। तो ये बात सही है कि वो भी अध्यक्ष रहे हैं, तो चार देखिए, एक पूर्व अध्यक्ष, 3 पूर्व अध्यक्ष और एक मौजूदा अध्यक्ष, चारों ने माहौल बनाने के लिए अलग अलग यात्राएं शुरू की, किसी भी स्थानीय नेता को नेतृत्व तो नहीं दिया गया। पहले तय हो रहा था कि वसुंधरा जी को एक दे दो, सतीश पूनिया को दे दो, गजेंद्र सिंह शेखावत को दे दो, सीपी जोशी को दे दो, मगर बीएल संतोष जब जयपुर आए थे उन्होंने कहा नहीं, नेताओं को नहीं बांटने, नेताओं को सब जगह ले जाओ और करो। अब मैं देख रहा हूँ कि देखिए बाकी नेता तो घूमते नजर आ रहे हैं, वसुंधरा राजे पता नहीं बीच में से गायब हो गई, कहाँ चली गई है, शुरुआत में तो रही वो लेकिन अब नहीं दिख रही है, वो दिल्ली में बैठ करके ताना बाना क्या बुन रही है, उनको किस तरह से यूज करेगी बीजेपी अभी तक निर्णय नहीं हो पा रहा, लेकिन हावी नहीं होने देंगे। जी जी, वही आपने सही जिक्र किया कि कई राष्ट्रीय अध्यक्ष जो रह चुके हैं और जो अभी हैं उस स्तर के तो नेता दिखे, लेकिन हालांकि कई सीएम पद के चेहरे भी इस वक्त पे इन परिवर्तन यात्राओं में लोगों को लुभाते नजर आ रहे हैं बीजेपी की ओर से। कांग्रेस को लेकर मैं संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूंगा, वहां जाहिर तौर पर अशोक गहलोत के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन क्या वाकई वहां भी एक संयुक्त नेतृत्व एकजुट है इस वक्त पे? टोंक की खासतौर पर मैं रैली का जिक्र करना चाहूंगा, जो प्रियंका गांधी ने कहा था कि अब हमारे यहाँ एक संयुक्त नेतृत्व, तमाम नेताओं को उन्होंने नाम लिए थे, राहुल अब सचिन पायलट खुद 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 कर खुद खुलकर बोलने लगे हैं कि
अब जो है सब कुछ कोई गुट नहीं है, अब सिर्फ सोनिया और राहुल है वही गुट है, लेकिन अब कोई और दूसरा गुट एग्जिस्ट नहीं करता है कांग्रेस में। देखिए मनीष जी, कांग्रेस में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है जी, कहने के मात्र को तो सब कह रहे हैं कि हम एक हैं और हम सब साथ हैं, लेकिन आप देखिएगा कि आप देखिएगा CWC की बैठक हुई जी, अशोक गहलोत और किस सचिन पायलट आसपास ही नहीं बैठे, पता नहीं कहां अशोक गहलोत ने अपनी प्रचारित किया, तस्वीरें सब बयां भी करती जी जी जी। देखिए वो प्रियंका गांधी के साथ बताने का प्रयास किया मैं हूं, अब भी ये हो रहा है कि अशोक गहलोत आज भी सचिन पायलट का हाथ पकड़ करके एक साथ ये कहने की स्थिति में नहीं है कि हम दोनों एक हो गए और पार्टी के लिए अभी उनके बीच में ना सिर्फ पार्टी के बीच बल्कि श्याम सुंदर जी एक तरह से कांग्रेस के भीतर ही शहमात का गहलोत और पायलट में रस्साकशी अक्सर देखने को मिलती रहती है। अब मुबारक, मैं आखिर में आपके पास आना चाहूंगा 20 सेकंड में, मैं आपसे किस तरह की दोनों पार्टियों के बीच की तैयारियां चल रही, क्योंकि बहुत चंद हफ्तों हफ्ता भर है दोनों, अगर राहुल गांधी की रैली देखे तो सिर्फ 5 दिन बाद है और बीजेपी के पास सिर्फ हफ्ता भर है, किस तरह की तैयारियां दोनों पार्टी की ओर से? देखिए मनीष, मैं बताना चाहूंगा क्योंकि चुनावी वर्ष है, दोनों ही पार्टी अपनी ओर से जो तमाम जो प्रयास जो पार्टियां करती है वो उस तरह का करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी की अगर हम बात करें जी, देखिए भाजपा पूरी तरीके से ये चुनाव हर हालत में, जैसे कि श्याम सुंदर जी ने बताया कि दोनों एक सत्ता छीनना चाहती है और एक सत्ता पर काबिज रहना चाहती है, तो वही चीज यहाँ निकलकर सामने आ रही है, श्री राहुल गांधी के माध्यम से कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में जोश भरने का प्रयास करेंगे। और इसकी 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 पॉलिटिकल टाइमिंग भी बड़ी मायने रखती है, क्योंकि कांग्रेस को भी पता है कि 25 तारीख को जो बीजेपी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जो है अपने भाजपाई कार्यकर्ताओं को और बूथ कार्यकर्ताओं को संदेश देंगे, तो उससे पहले कांग्रेस ने भी स्ट्रेटेजी रखी है कि उसके भी कार्यकर्ताओं का मोराल बूस्ट किया जाए। आप दोनों मेरे साथ जुड़े, मुबारक, आपका शुक्रिया। श्याम सुंदर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।